नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। रविवार दीनाथ कनौज महोत्सव का समापन हो गया। महोत्सव में आखिरी दिन राधा कृष्ण के भक्ति गीतों पर भीड़ जमकर झूमी। एडीएम सुब्रांत कुमार शुक्ला सहित एडीएम और एसडीएम भी ब्रज गीतों पर जमकर नाचे। डीएम बोले कि कई सालों बाद हुआ कनौज महोत्सव का आयोजन, बेहद सफल रहा और जो कमियां रह गई हैं उन्हें अगले साल दूर कर दिया जाएगा। कनौज महोत्सव के अंतिम दिन भारत की संस्कृति और कृष्ण भक्ति की झलक दिखाई थी। देश के विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कथक त्यांगना गीतांजलि शर्मा ने भारत की कला एवं संस्कृति की भव्य प्रस्तुति से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। गीतांजलि शर्मा और उनके समूह के द्वारा रचित राधा कृष्ण पर आधारित मनमोहक नृत्य नाटिका की गई, जिसे देखकर डीएम, एडीएम और एसडीएम खुद को रोक ना सके और मंच पर कृष्ण भक्ति में जमकर नाचे। गीतांजलि शर्मा की प्रस्तुतियों में मुख्य रूप से ब्रज वंदना, गणेश वंदना, महारास, मयूर नृत्य, माखन लीला, लठामार, होली का मंचन किया गया। महोत्सव में कृष्ण और राधा के अद्भुत स्वरूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। गीतांजलि शर्मा ने अपने भाव और अभिनय से ब्रज को कनौज महोत्सव के मंच पर उतार दिया, जिसे देख हर कोई राधा कृष्ण भक्ति में डूब गया। डीएम समापन पर बोले, उम्मीद से ज्यादा सफल कार्यक्रम हुआ और जो कमियां सामने आई वो अगली बार दूर की जाएंगी। संवाददाता विकास राठौर की खास रिपोर्ट। हमारा जो कन्नौज जनपद में इस बार जो महोत्सव का आयोजन किया गया, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद जनपद स्तर की ये जो संस्था है, इसके द्वारा और ये शासन के द्वारा अधिनियमित ये संस्था है, उसके द्वारा एक 8 दिवसीय कन्नौज महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। और इस समिति को बहुत ही प्रसन्नता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे लेकर चले, देश के लेके हम लोग आगे चले थे, उसमें हमें पूरी सफलता मिली है। यहाँ के लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे मन से लिया है, बड़े उत्साह से लिया है, उमंग से लिया है। आप इस मेले में देख सकते हैं, हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ होगी। पहले दिन भी इतने लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे मेला चढ़ता गया और मीडिया के माध्यम से भी हमारी बात, हमारी प्रस्तुतियाँ और यहाँ के जो कार्यक्रम जैसे जैसे लोगों तक पहुँचते गए, उसी तरह से धीरे धीरे लोग आते गए और आज आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है बृहद स्तर ये अपने स्वरूप में ले चुका है। हमने ज़रूर ये प्लानिंग की थी कि यहाँ पर जितनी भी भूमि थी पूरी ज़मीन को हमने क्लेम करके और इसमें एक साथ बड़े सेटअप को तैयार किया था, तो इस वजह से भी काफ़ी हमें सफलता मिली है। हमें सभी का इसमें सहयोग मिला है, सरकारी जो विभाग हैं उनके अलावा जो हमारे पूर्व के जो मेलों से जुड़े रहे लोग हैं, हमने उनको रोप इन किया, उनको अपने साथ बैठाया, उनसे हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया और फिर धीरे 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 इसकी कार्यक्रम की पूरी रचना करके हमने इसको एक रूप दिया और आप ये देख रहे हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।